अर्थ आवर के दौरान जहां दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी गैर जरूरी रोशनियां बंद कर दी गई थी, वहीं सूबे सिंध के अहम सरकारी मरकज वजीर आला हाउस रोशनियों से जगमगाता रहा। एआरवाई न्यूज की टीम ने जब वहां का दौरा किया तो वहां मौजूद अमला अर्थ आवर से बेखबर था। रोशनियों के शहर कराची में 8:30 बजते ही बेशतर अहम इमारतों शाहराओं में नस बिजली के गैर जरूरी आलात बंद कर दिए गए थे। मजार कायद पर शहरियों की बड़ी तादाद ने दिए रोशन किए। चाहिए कि हम बिजली कम से कम इस्तेमाल करें ताकि बिजली बच सके, और चाहते हैं कि हम ऐसा काम करें जिसमें ये एनर्जी सेव हो। दुनिया के साथ साथ हम भी चलेंगे और इन खतरात से निपटने की और इन्हें खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर शेख मोहम्मद अफजल का कहना था कि अर्थ आवर सिंध के तमाम छोटे बड़े शहरों में इस अजम के साथ मनाया जा रहा है कि पाकिस्तान का हर शहरी इंफरादी तौर पर माहौलियाती आलूदगी में कमी और बिजली के गैर जरूरी इस्तेमाल को खत्म करने में अपना किरदार अदा करेगा। एनर्जी का बहरान है या जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है और जिस तरह के नुकसान हो रहे हैं, जैसे पिछले दिनों पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सैलाब आया तो वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से आया। अर्थ आवर के दौरान गवर्नर हाउस सिंध असेंबली समेत दीगर अहम मुकामात शहरों की गैर जरूरी रोशनियाँ बंद रही। कैमरामैन मुस्तफ़ा महराज के साथ सलमान लोधी, एआरवाई न्यूज़ कराची।